तो चलिए आज हम एवरेज यानी कि औसत का वीडियो पार्ट 3 लेकर के आए हैं। ठीक है, इसके पहले पिछला जो वीडियो था वो मेरा पार्ट 2 था। यदि पार्ट 2 का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आपसे आग्रह है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, उसको आप जा करके निश्चित देख लें, तब जा करके इसका क्या है कॉन्सेप्ट निश्चित रूप से अच्छी तरह से आपके दिमाग में समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। आपसे फिर एक बार आग्रह करेंगे क्या कि इस वीडियो के अंत तक आप कृपया बने रहेंगे, तब आपके दिमाग में अधिक से अधिक ये जाएंगे। चलिए धन्यवाद, देखते हैं क्या है। 20 से 50 तक विषम संख्या का औसत एवं योगफल बताएं। हमने पिछले वीडियो में क्या लिया था, सम संख्या का औसत और योगफल। वही क्वेश्चन को आज हम बदल करके सम की संख्या के जगह पे विषम संख्या लिए हैं। देखते हैं, यहाँ तक तो मेरा विश्वास है कि आपको फुल समझ आ गया होगा और आप इसको बना भी सकते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले हमको क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, औसत पूछा गया है। क्या पूछा है, औसत। और औसत आप भली भांति जान रहे हैं। औसत कैसे बनाएंगे, इसका जो फर्स्ट संख्या होगा और जो लास्ट संख्या होगा उसको जोड़ना है ना। तो फर्स्ट संख्या क्या 20 लिखना उचित होगा क्या, यहाँ चूँकि 20 विषम संख्या नहीं है इसलिए 20 के ठीक बाद वाला संख्या लेते हैं जो विषम संख्या है, वो फर्स्ट संख्या होगा, होगा कि नहीं। और क्या होगा, अंतिम संख्या क्या होगा, क्या 50 होगा क्या, नहीं ना होगा, क्योंकि 50 क्या है, सम संख्या है, इसलिए 50 से ठीक पहले वाला जो संख्या आते हैं वो फिर विषम संख्या है। इसलिए उस संख्या को हम लिखते हैं और बटे दो करते हैं, इसको देखते हैं जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर 9 और 1 क्या होगा, 10 होगा, 4 और 2 6 हुआ, हाथ में था 7, 70 हो गया, 2 से काटेंगे 35 हो गया, ये मेरा औसत क्या निकला, औसत यानी कि एवरेज। आगे पूछा है योगफल मालूम करने के लिए, क्या पूछा है, योगफल। भैया योगफल कैसे निकाला जाएगा, आप तो जान चुके हैं पिछले वीडियो को देख करके ना। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं योगफल का, क्या होता है एवरेज, क्या होता है एवरेज इंटू एन, यानी कि जो औसत होता है उसको उस संख्या के साथ गुना कर देने से उसका क्या होगा, योगफल निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। तो चलिए एवरेज तो हम निकाल चुके हैं, तो एवरेज के जगह पे हम 35 ले लेते हैं है ना, और गुना करते हैं एन। एन क्या होगा, इसमें क्या संख्या होगा, यानी कि विषम संख्या, इसमें जो विषम संख्या होगा उसकी कुल संख्या क्या होगी, कैसे पता करेंगे, हमको तो पता है चूँकि हम कैलकुलेशन तुरंत कर सकते हैं, 15 होगा। चलिए आपको बताते हैं ये 15 कैसे होगा, सो है कि नहीं, कैसे होगा दिखा देते हैं। चूंकि 21 से क्या होता है 20 और 50 के बीच में पूछा गया ना, तो 20 और 50 तक विषम संख्या पूछा गया है कि नहीं, 20 से 50 तक पूछा गया। इस कॉन्सेप्ट को फिर से याद करने की कोशिश कीजिए, यदि तक लिखा रहे तो आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं है कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, 50 में से 20 को घटाएंगे और जो आएगा तक लिखा रहे तो एक कदम बढ़ जाएंगे, वो क्या होगा, कुल संख्या होगा, क्या होगा, कुल संख्या, क्या होगा, कुल संख्या। लेकिन क्या इस कुल संख्या में सिर्फ विषम संख्या ही तो नहीं है ना, इसमें दोनों संख्या मिला हुआ है, कह सकते हैं ना 20 से लेकर के 50 तक सिर्फ सम संख्या नहीं है, उसमें विषम संख्या भी है। लेकिन कैसे जानेंगे कितना सम और कितना विषम इस चीज़ को, तो आप यदि इसको समझ लें तो आप 2 सेकंड में इसको कह सकते हैं, 1 सेकंड में कह सकते हैं, जैसे कि हमने बता चुके हैं पहले 15 होगा, देखते ना कैसे होता है 1500। ठीक है, इसको 2 भाग में हमको बांटना, कैसे, लगभग बराबर 2 भाग में बांटना, तो ये बांट देते हैं कितना हो जाएगा, 1 15 होगा और 1 16 होगा, होगा कि नहीं। अब 15 वाला विषम संख्या होगा या 16 वाला होगा, इसके कॉन्सेप्ट को नहीं देखिएगा कि 16 सम है तो 16 ही होगा या 15 विषम है तो ये वाला होगा, नहीं, इस यहां से यहां तक कितना विषम संख्या है वो चीजें दर्शा रहा है यहां है ना। तो कैसे पता करेंगे भैया, हम देखते हैं ये दोनों ओर क्या है, सम संख्या है, यानी कि 21 के पहले भी सम संख्या है और 49 के बाद भी सम संख्या है और ठीक उसके भी
बाद वाला क्या कह सकते हैं, बीच से ये विषम संख्या स्टार्ट होते हैं, यानी कि क्या होता है फर्स्ट और लास्ट में सम संख्या ये है, तो सम संख्या की संख्या जो होगा इसमें वो यधिक होंगी, अर्थात विषम संख्या जो होगा उससे कम होगा, अर्थात कम वाला जो है विषम संख्या होगा जो हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो इसको गुना कर देंगे तो इसका हमें योगफल निकल करके आ जाएगा। देखते हैं गुना करके कितना होता है, 35 और 15 को गुना करते हैं, 25 हाथ में 2, 5 3 15 और 2 17, 5 1 5 और 3 1 3 5 और 7 5 12 हासिल में 1 3 1 4 1 5, 500 कितना हुआ 25, कितना हुआ 525, ये उसका योगफल आ गया। बोलिएगा कि बहुत वेट लग रहा है, वेट बहुत क्या होता है, क्या लग रहा है इसमें आपकी समझ से, ये भले लगे कि इसको बनाने में थोड़ा क्या हो रहा है, लेट हो रहा है कि नहीं, लेकिन नहीं, आप यदि बनाइएगा तो लेट नहीं होगा, तुरंत बना करके आप इसको अपने सामने इजीली आंसर ला सकते हैं, हम भी ला सकते थे, लेकिन ये चीज़ कॉन्सेप्ट देने में थोड़ा सा आपको लगा होगा कि लेट हो रहा है, लेकिन लेट नहीं है। इस पूरे सवाल का जवाब आने में मात्र 3 या 4 सेकंड अधिक से अधिक लग सकते हैं, तो हमें ये विश्वास है कि यदि इस बेसिक चीज़ को आप समझ लें अच्छी तरह से, तो एवरेज से परीक्षा में चाहे जो भी सवाल छोटा से बड़ा आ जाए उसको आप निश्चित रूप से नहीं छोड़ेंगे, वो आपसे बन जाएगा, उसका आंसर जो है एकदम सटीक रूप से बना करके आप एग्जाम में उसको मार के आएंगे। और एक बात कह देना चाहते हैं हम कि कोई भी एग्जाम हो वो गणित के द्वारा ही उसको संवारा जा सकता है, गणित ही एक ऐसा विषय है जो परीक्षा के लिए वरदान या नहीं तो अभिशाप सिद्ध होता है, यदि आपका गणित ठीक गया तो समझिए आपका परीक्षा बेड़ा पार लगने वाला है। इसलिए आपको ये आग्रह है कि मेरे साथ आप निरंतर बने रहें, हम आपके सारे समस्या को सुलझाने का कोशिश करेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग तक भरने का मेरा जिम्मेवारी है, ठीक है। अगला हम नेक्स्ट चलिए हम आगे देखते हैं, ठीक उसी तरह का सवाल है कुछ हट करके, क्या है 4 के 50 गुणजों का औसत और योगफल पूछा गया है भैया इसमें, है ना, 4 के 50 गुणजों का, मैंने 4 का जो टेबल है वो 50 दफे उसको लिखेंगे तो वो हो जाएगा उसका गुणज, टेबल ही तो गुणज होता है ना, तो देखते हैं ना इसका गुणज क्या होगा, जैसे 4 होगा 8 होगा 12 होगा, तो क्या 50 तक हम लिखना संभव है क्या परीक्षा में, नहीं, तो क्या करेंगे 50वां जो होगा वो क्या होगा, चूंकि 50वां क्या होगा इसके मल्टीप्लाई के बराबर होगा, मैंने 50 चौके कितना 200, ये अंतिम जो होगा गुणज उसका क्या होगा 200। जब अंतिम चीज हमको पता चल जाए और पहला वाला भी पता हो तो इसका तो एवरेज निकला कि नहीं, क्या होगा 4 + 200 और बटे 2, मैंने 204/2 इसको काटेंगे 102 हुआ, ये एवरेज निकल गया, क्या हुआ एवरेज पता चल गया, ओके ठीक है। अब अगला जो पूछा गया है योगफल पूछा गया है, क्या पूछा गया है योगफल, तो योगफल को फिर हम कैसे प्राप्त करेंगे, लिखते हैं ना योगफल, क्या योगफल, और योगफल का हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, एवरेज इनटू एन, माने संख्या जिसको पूछा गया उसकी संख्या, तो एवरेज तो हम पता कर लिए हैं कितना 102, लेकिन इसमें एन क्या होगा, है ना, क्या होगा एन, एन तो यहाँ दिया गया है स्पष्ट, पढ़ के देखिए 4 के जो है 50 गुणजों का औसत क्या होगा, मैंने 4 का जो टेबल है वो 50 बार लिखा गया ना, यानी कि 50 संख्या होंगे, कुल संख्या क्या होंगे 50, तो 50 से इसको गुना कर दो जो आएगा वही मेरा उसका योगफल हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्या होगा 5 × 2 = 10 हाथ में 1, 5 × 0 करेंगे 0 और वो हासिल जो रहा था उसको कर दिए 1, 5 से कम 5 और ये इस 0 को यहाँ ले आते हैं, इतना जो होगा उसका योगफल निकल करके आ गया है कि नहीं। तो मेरा इस कॉन्सेप्ट के साथ आपको कहना है कि जितनी भी छोटी बड़ी प्रश्न होंगे ये इस
विधि से आप निश्चित तौर पर उसको बना सकते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। मान लिया जाए आपसे पूछे कि 2 से 5 हजार तक का औसत क्या होगा या योगफल क्या होगा, कहने का मतलब बीच से पूछ दे या लगातार कंटिन्यू 1 से पूछे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हर तरह के सवाल आप इस कॉन्सेप्ट से उसका जवाब निकाल सकते हैं, है कि नहीं। इसके इस कॉन्सेप्ट से उसका हर तरह का जवाब निकाल सकते हैं। और मेरा इस पर फोकस इसलिए था भैया, चूँकि आप पहले भी मैथ में पढ़े होंगे क्या कि विषम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्याओं का योग या औसत क्या होगा, उसका अलग अलग क्या है फॉर्मूला दिया गया हो, है ना, अलग अलग फार्मूला दिया हुआ है। और उस फार्मूला के झंझट को हम हटाने के लिए मात्र एक और एक फार्मूला इसको लेकर के आए। इससे चाहे वो विषम संख्या हो, चाहे वो सम संख्या हो, वो संख्या चाहे बीच से शुरू हुआ हो या फिर 1 से लेकर के शुरू हुआ हो, तो किसी तरह भी संख्या के बीच हम उसका एवरेज और उसका योगफल मात्र और मात्र इससे हम निकाल सकते हैं, और उस अनेकों सूत्र से हम निजात पा सकते हैं। उससे क्या होता है क्या कि उस सूत्र को हम याद तो कर लेते हैं लेकिन परीक्षा हॉल तक उसको हम उतार नहीं सकते। वहाँ क्या होता है, वो खिचड़ी बन जाता है मेरे दिमाग में। खिचड़ी मैंने क्या समझा, खिचड़ी का मतलब होता है वो दिमाग में सब मिल जाता है, यानी कि कन्फ्यूज कर जाते हैं, इसका सूत्र उसमें लिखा जाता है, या फिर किसी तरह से हम क्या होता है वो सवाल नहीं बन पाता है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला की संख्या मेरे दिमाग में अधिक से अधिक होने की वजह से वो क्या होता है कन्फ्यूज हो जाता है। तो उस फॉर्मूले को हम हटा करके मात्र और मात्र एक फार्मूला लाया जिससे ये इस तरह के जितने भी सवाल होगा वो आपके द्वारा बन जाएगा। ठीक है, अगला हम कुछ सवाल लेते हैं। तो देख रहे होंगे एक सवाल आपके बोर्ड पर दिख रहा है, चलिए इसको हम बनाने कोशिश करते हैं। देखिए और मिल करके आप भी बनाइए, है ना। क्या है, 50 व्यक्तियों के एक समूह की औसत उम्र 60 वर्ष है। कहने का मतलब एक समूह है उसमें 50 व्यक्ति है और उसका औसत उम्र दिया गया है कितना है, 60 वर्ष है। और आगे क्या कहता है कि 5 व्यक्तियों की और सम्मिलित हो जाने पर, उस समूह में कितना पहले से था, 50 व्यक्ति था, और उसमें फिर से कहीं से आया और 5 व्यक्ति आकर के फिर उसमें आके शामिल हो जाता है, मिल जाता है, और मिलने के बाद क्या होता है उसका औसत उम्र 62 वर्ष हो जाती है। तो नए व्यक्तियों की औसत उम्र क्या होंगे, कहने का मतलब जो नए व्यक्ति 5 व्यक्ति आए हैं उसका औसत उम्र क्या होगा ये पूछा गया है। चलिए मात्र और मात्र ये 3 पॉइंट पर ही ये निर्धारित है और उससे बन जाता है। कहने का मतलब वो क्या है, क्या योगफल बराबर एवरेज इंटू एन, इस सूत्र को, इस फार्मूला को आप जानते होंगे, तो इसी से हम लेके चलते हैं। देखते हैं क्या था, 50 व्यक्ति का समूह था और 50 व्यक्ति के समूह का औसत उम्र कितना था, 60 वर्ष। औसत उम्र तो आप समझ रहे होंगे, कहने का मतलब इसमें जो 50 व्यक्ति था उसमें सबका उम्र 60 तो नहीं होगा। कहने का मतलब किसी का उम्र 50 होगा तो किसी का 52 होगा, किसी का 70 होगा, किसी का 90 भी हो सकता है, लेकिन सभी 50 व्यक्तियों के उम्र को एक जगह जोड़ करके और 50 से डिवाइड कर दिया जाता है और वो जो उम्र या उम्र निकलता है वही उसका एवरेज उम्र होता है या औसत उम्र होता है। तो ये औसत उम्र है, क्या है, औसत उम्र। पहले से भी आप जानते हैं कि योगफल हमको निकालना पड़े, मैंने कुल उम्र निकालना पड़ रहा है। योगफल का मीन्स क्या हुआ है, कुल उम्र, कुल उम्र क्या, 50 के समूह वाला का कुल उम्र निकाल रहे हैं। 50 तो समूह में था और 60 उसका औसत था, तो इसका कुल उम्र कितना होता है, 6 × 5 = 30 और ये 20 3000 वर्ष हो गया, ये 50 व्यक्ति के समूह का कुल उम्र हो गया। तो ठीक है, ये तो 50 व्यक्ति का समूह था, लेकिन अब क्या होता है उसमें 5 व्यक्ति फिर से क्या होता है, सम्मिलित हो जाता है। तो 5 व्यक्ति सम्मिलित होने से क्या होगा, संख्या बढ़ करके क्या होगा, पहले से 50 था और 5 सम्मिलित हो जाता अर्थात कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, होगा कि नहीं, चलो 55 हो गया। और 55 हो जाने से आगे सवाल में बताया गया कि उसका जो एवरेज उम्र होता है पहले 60 था, लेकिन नहीं, इस बार बदल जाता है और क्या हो जाता है, एवरेज उम्र 62 हो जाता है। बोलिए यदि
कुल संख्या हमें पता हो और एवरेज भी पता हो तो क्या होगा, क्या होगा, कुल उम्र हम क्या पता नहीं कर सकते हैं, किस कितने आदमी का, 55 आदमी का, है ना, कुल 55 व्यक्ति का उम्र है ना, 55 व्यक्ति का उम्र ये पता चल रहा है, 55 व्यक्ति का उम्र पता चल रहा है, गुना कर देते हैं जो है ना, 55 और 62 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दुना 10 हासिल 1, 5 दुना 10 हासिल 1 और 1 11, 6 पंचे 30 हासिल 3, 6 पंचे 30 और हासिल 3 33, तो जोड़ेंगे 0 1 4 है ना 34 10, अर्थात क्या होगा 3410 वर्ष, ये हो गया 55, अब 50 नहीं, अब क्या होगा 55 व्यक्तियों के समूह का कुल उम्र हुआ। बोलिए 50 का यदि कुल उम्र इतना हो और 5 व्यक्ति के बढ़ जाने के बाद उम्र इतना हो जाता है तो कितना उम्र में इजाफा हुआ, उम्र में कितनी वृद्धि हुई, इसको हमको पता करना है। जो वृद्धि होता है वही तो नए पांच व्यक्तियों का उम्र निकलेगा, अर्थात कैसे 34 10, ये 55 ग्रुप वाला है या 55 के समूह वाला है और ये 50 के समूह वाला का उम्र, इसमें क्या करते हैं माइनस कर देते हैं तो कितना होता है 410 वर्ष हुआ। ये 410 वर्ष क्या होगा, 5 व्यक्ति का कुल उम्र, जो नया व्यक्ति आ रहा है, जो नया व्यक्ति आ रहा है, यानी कि 5 व्यक्ति का क्या होगा, कुल उम्र होगा, होगा कि नहीं, 5 व्यक्ति का कुल उम्र इतना होगा। लेकिन इसमें पूछा गया है कि नए व्यक्ति की औसत उम्र क्या होगा, यहाँ औसत उम्र का मतलब होता है कि 5 व्यक्ति आया तो मिलकर के 410 आया, क्या सभी बराबर बराबर उम्र के तो नहीं थे, कुछ तो छोटा या बड़ा होंगे वो, लेकिन इसका औसत उम्र निकालने का क्या मतलब होता है, औसत उम्र क्या होगा, औसत उम्र चूंकि हमको 5 व्यक्ति का ही तो औसत उम्र निकालना पड़ रहा है, कुल उम्र जो है वो और जितना व्यक्ति का हमको निकालना पड़ रहा है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ना, है कि नहीं, ये बटे, तो इससे कटाएंगे 8 पंचे 40 है ना, और 8 पंचे 40 एक रहा 10 हुआ 5 दुना 10 अर्थात 82 वर्ष जो होगा उसका औसत आयु हो जाएगा या उम्र हो जाएगा 82 वर्ष। ठीक है, बोलिएगा यहाँ कि ये 5 हम बटे क्यों किया, ये तो योगफल बराबर क्या होता है एवरेज इंटू एन हो सकता है, तो हमको यहाँ क्या निकालना है, औसत, मैंने एवरेज, औसत उम्र एवरेज निकालना पड़ रहा है। एवरेज को यदि हम यहीं रखें तो ये एन बराबर के उस पार जाने से कहाँ जाएगा, इसके ठीक बटे जाएगा कि नहीं, मैंने कुल जो मान होता है या योग वैल्यू होता है उसके ठीक नीचे जाके बटे होता है, तो वही तो किए, यहाँ क्या था कुल जो इसका उम्र था उसमें 5 से हम बटे कर दिए तो इसका औसत उम्र निकल के आ गया, यही आंसर हुआ। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, देखते हैं इसको कैसे बनता है, सेम उसी तरह से देखते हैं। किसी वर्ग के 30 छात्र की औसत उम्र 18 वर्ष है, मैंने एक कक्षा है, एक वर्ग है, उसमें 30 छात्र है और उस 30 छात्र का औसत दिया गया उम्र कितना है, 18 वर्ष है। ठीक है, यदि उनमें शिक्षक को भी शामिल कर दिया जाए, अरे कक्षा में तो शिक्षक होंगे ही ना, तो कहने का मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है कि उस छात्र के साथ में उन शिक्षक को, सॉरी एक ही शिक्षक है, शिक्षक को भी उसमें मिला दिया जाता है तो क्या होता है, औसत उम्र 19 वर्ष हो जाती है। पहले औसत उम्र 18 था लेकिन अब जब एक शिक्षक को उनमें मिला दिया जाता है तो उसका क्या होता है, औसत उम्र बढ़ के 19 हो जाता है। तो शिक्षक की उम्र क्या है, एकदम सीधा सा सवाल, अगला ही जैसा ही इसको पिछला क्वेश्चन जैसे बनाए उसी तरह से देखते हैं क्या होता है। चूंकि छात्र कितना है, 30 है और औसत कितना है, 18 वर्ष है, तो कुल उम्र हम इसको निकाल सकते हैं, कुल उम्र 30 छात्र का कुल उम्र क्या होगा, कुल उम्र 30 छात्र है तो 30 और एवरेज कितना है, 18 है, तो 30 के साथ 18 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं तो वो क्या होगा, उसका कुल उम्र निकल करके सामने आ जाएगा, 18 या 54 540 वर्ष,
ये उसका कुल उम्र हो गया किसका, 30 छात्र का। लेकिन आगे क्या कहता है, इसी गुट में या इसी कक्षा में एक शिक्षक को भी उसमें मिला दिया जाता है, सम्मिलित कर दिया जाता है। तो देखते हैं आगे, जब शिक्षक को मिला दिया जाता है, इसमें लिखे हैं शिक्षक सहित कुल उम्र क्या, शिक्षक सहित चूंकि मिला दिए हैं तो शिक्षक सहित कुल उम्र क्या होगा, चूंकि संख्या पहले 30 था लेकिन जब शिक्षक को मिला दिए तो एक बढ़ गया और ना तो 31 हो गया, ये संख्या हो गया। और क्या होता है, उसका एवरेज बढ़ जाता है ना, औसत बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, 19 हो जाता है, 19 हो जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए देखते हैं ना, 31 और 19, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 1 एकम 1 और 3 एकम 3, 9 7 1 8 और 3 2 5, 589 वर्ष। ये जो संख्या, ये जो उम्र हुआ वर्ष, ये किस किनका है, शिक्षक सहित कुल छात्र यानी कि 31 का है, कुल संख्या कितना है 31, तो 31 का है। चलिए भैया, पहले क्या था, 30 छात्र था, उसमें एक शिक्षक मिल जा रहे हैं, मिलने के वजह से ही ना इस उम्र में इजाफा हुआ है कि नहीं, मिलने के वजह से ही इसमें इजाफा हो रहा है। तो कितना इजाफा हो रहा है देख लेते हैं, 589 उसमें 540 को हटा देते हैं यानी कि घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9 में 0 घटेगा 9 और 8 में 4 घटेगा तो 4, ये 4 वर्ष जो होगा, सॉरी 49 वर्ष जो होगा, ये क्या होगा, शिक्षक का ही आयु या उम्र होंगे, कि इनका होगा शिक्षक का होगा, क्यों, क्योंकि वही एक शिक्षक इसमें इजाफा हुआ था। तो इसके कुल उम्र में ऊपर वाला के कुल उम्र को यदि हटा देते हैं तो किनका बचता है, टीचर का ही बचता है, शिक्षक का। तो इसका आंसर यही होगा, है कि नहीं। चलिए अगला हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, पिछला जो क्वेश्चन था ठीक उसको हम क्या किए हैं, पलट दिए है ना, क्या किए, उलट पलट कर दिए हैं। पहले क्या था, 30 व्यक्ति का समूह था या 30 छात्र का समूह था, उसमें एक शिक्षक को मिला दिया गया था, तो इस तरह से कुछ था। इसमें देखते हैं ठीक उसका उल्टा आपको नजर आएगा, देख लेते हैं पढ़ के। इसमें क्या है, 31 व्यक्ति का उम्र जो है, औसत उम्र जो है वो 19 वर्ष दिया गया है, 31 व्यक्ति का औसत उम्र क्या है, 19 वर्ष दिया गया है, और उनमें से क्या करता है, एक व्यक्ति छोड़ करके, उस ग्रुप को छोड़ करके क्या करता है, वो चल जाता है ना, चले जाने से औसत उम्र क्या बच जाता है, उसके जाने से जो व्यक्ति वहाँ रहता है उसका औसत उम्र क्या हो जाता है, अब 18 वर्ष हो जाता है। तो जाने वाला का उम्र क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, इसको क्या किए, पलट दिए, उसमें सम्मिलित हो रहा था, इसमें छोड़ करके कोई जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है देखते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं, वही क्वेश्चन वही आंसर है ना, देखते हैं ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस तरह से पलट रहे हैं। देखते हैं, जब पहले 31 व्यक्ति था तो इसका 31 व्यक्ति का कुल उम्र हम क्या लिख सकते हैं, कुल उम्र क्या कह सकते हैं, चूंकि 31 व्यक्ति है तो इसलिए 31, और जितना औसत है एवरेज उसको इनके साथ गुना कर देते हैं ये, तो गुना करने के बाद जो आता है वो 31 व्यक्ति का एवरेज होगा, होगा कि नहीं, याद तो नहीं है, कर लेते हैं, अभी कुछ देर पहले इसको हम गुना कर चुके, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 1 एकम 1 3 एकम 3, ठीक है, 8 और 5, ठीक है, हाँ यही था, 589, ये 31 व्यक्ति का क्या हुआ, कुल उम्र हुआ। लेकिन भैया इसमें 31 में से एक क्या होता है, निकल करके चले जाते हैं, तो अब कितना बचता है, 30 व्यक्ति बच जाता है, कितना बचता है, 30 व्यक्ति बच जाता है। तो 30 व्यक्ति का जो कुल उम्र होगा वो क्या होगा, 30, और यहाँ दिया गया औसत उम्र, क्या औसत उम्र दिया गया, जब निकल जाता है तो उसका औसत उम्र क्या था, क्या होता है, 18, तो क्या 18 के साथ हम इसको गुना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 18 के साथ गुना करेंगे जो होगा वो 30 व्यक्ति का जो होगा कुल उम्र होगा, यानी क्या होगा, 18 54 540, ये 30 व्यक्ति का कुल उम्र होगा। पहले 31 व्यक्ति का कुल उम्र था, अब एक चल गया इसलिए बचा 30, तो उसका कुल उम्र ये है, क्या उसमें से इसको घटा देंगे तो जाने वाला व्यक्ति का उम्र निकल सकता है या नहीं निकल सकता है ना, बिल्कुल निकल सकता है, हाँ बिल्कुल बोले सही, ठीक ना। तो 9 में 0
घटाएंगे या माइनस करेंगे जीरो होगा, आठ में चार माइनस करेंगे चार होगा, और ठीक तो ये क्या हुआ 49 वर्ष। बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन ही को हम पलट दिए थे, है ना, और उसका ही आंसर इसमें भी आके आपको देखने को मिल रहा है। तो या सम्मिलित करें या निकाले या कुछ भी करें, किसी तरह का परिघटना सवाल में हो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप उसको क्या करेंगे, निश्चित रूप से उस सवाल को हल कर लेंगे, है ना। हम विश्वास करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको निश्चित रूप से क्लियर होते जा रहे हैं, है ना। और क्या करेंगे, आगे आने वाले और भी डिफिकल्ट सवाल इसका लेकर के हम वीडियो में आएंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। ये तो आपका बेसिक जो नॉलेज है उसको हम विकसित कर रहे हैं, ताकि इस बेसिक नॉलेज के को यदि दिमाग में आप बैठा लेते हैं तो किसी तरह का भी सवाल आप उसको बना सकते हैं। अब परीक्षा से संबंधित, परीक्षा के उपयोगी क्वेश्चन को, सवाल को हम लेकर के आएंगे और आपके साथ मिल करके हम बनाएंगे, है ना। ठीक है, आपको एक बार फिर से मेरे तरफ से आग्रह है कि मेरा चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। आपके वीडियो के ठीक नीचे लाल बटन का एक सब्सक्राइब बटन दिखता होगा, उसको दबाएं, है ना, और लाइक बटन को भी दबा लें और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि मेरा भी जो मेहनताना है ना, मैंने कहने का मतलब जो मेरा मजदूरी हो इसके माध्यम से हो सके, पूरा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।